नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। जो भी व्यक्ति बिहार से बीएड करने के लिए अप्लाई फॉर्म भरे थे, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो हम आप लोग के इस वीडियो में बिहार CET बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आप लोग के सामने डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम बिहार से संबंधित हर एजुकेशन अपडेट आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आना है। यहाँ पे आने के बाद हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उस लिंक पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से जो भी आप सबको दिखेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है, और आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है साइन न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्टिवेट योर अकाउंट। आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल आप लोग को इस साइन वाले पर क्लिक करना है, साइन इन करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सिंपली आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस इसमें एड्रेस ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा थी सॉरी यहाँ पे जो है इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप लोग को फाइनली क्या करना है, इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी सब होता है वो खुल करके आप लोग का प्रोफाइल आ जाएगा, और वहाँ से आप लोग को लिखा होगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अभी तो मेरे पास किसी का ईमेल आईडी पासवर्ड तो नहीं है कि मैं आप लोग को चेक करके बताऊँ, तो आप लोग फिलहाल इस स्टेप का फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को भली भांति समझ में आ चुकी होगी। यदि जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोग के बीच हर न्यू अपडेट लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।